हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे लेकिन आप कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हो तो आज आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कैसे हो और कहाँ से वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद यू ऑल कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो आपको वीडियो कैसी लगती हैं जब हम सेल्फ पैम्पर करते हैं ना हम खुद को पैम्पर करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और वो टाइम हमारी लाइफ का बहुत ही अच्छा टाइम होता है क्योंकि अगर आप खुद खुश हो ना तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हो अगर आप अंदर से खुद खुश नहीं हो तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख पाते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू आपको खुद को टाइम देना चाहिए जरूर देना चाहिए अपने आप को खुश रखना चाहिए जिस भी चीज से आपको खुशी मिलती है आपको वो करना चाहिए तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना तो अगर आप एक मोम हो अगर आप टॉडलर की मोम हो न्यू बॉर्न की मोम हो या आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो या आप थोड़े से एजड हो नो no वरीज कोई यहाँ पे एज लिमिटेशन नहीं है हर कोई अपनी लाइफ में कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी बिजी तो होता ही है ना हम क्या देते हैं कि हमारा बच्चों में सारा दिन टाइम निकल गया किचन में निकल गया और ये सच भी है कि हम बाकी सारे टाइम को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन हम खुद को नहीं देते तो नाउ इट्स टाइम टू गिव यू अ प्रायोरिटी आप खुद को प्रायोरिटी दो खुद को पैम्पर करो और फिर देखना कि आपको कितना अच्छा लगता है अगर आप अपनी स्किन को कंपेयर करो बिफोर एंड आफ्टर की बिगनिंग में, में मेरी स्किन कैसी थी पहले कैसी थी और अब कैसी है तो आप खुद समझ जाओगे की यू नीड टू पैम्पर यूर से नोट तो अगर आपको भी ये फील होता है ना आप खुद के अंदर हमेशा गिल्ट फील करते हो कि मैं तो खुद को टाइम ही नहीं देती हूँ तो आज इस गिल्ट को सच में फील करो कि हाँ आप ये गलत कर रहे हो और आज से अपनी स्किन को खुद को टाइम देना स्टार्ट करो जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी हेल्थ आपकी स्किन आपके हेयर सब कुछ बहुत अमेजिंग हो जाएगा तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना सेल्फ पैम्पर रूटीन की मैं खुद को वीकली कैसे पैम्पर करती हूँ जिससे कि मेरी स्किन और मेरे हेयर्स में बहुत अच्छा डिफरेंस आया और आपके भी आ सकता है अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हो तो तो वीक में एक ही बार तो करना है हार्डली आपको 20 मिनट्स लगेंगे लेकिन वो 20 मिनट्स आपको इतना अच्छा फील होगा ना और आफ्टर दैट ट्वेंटी मिनट्स आप पूरे एक हफ्ते के लिए रिचार्ज कर लोगे खुद को आपकी स्किन आपके हेयर आपको थैंक यू कहेंगे और आप खुद बहुत हैप्पी हो जाओगे तो जल्दी से आप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे आपको इस रूटीन को फॉलो करना है और रिजल्ट देख के आप खुद खुश हो जाओगे क्योंकि मैं आपको करके दिखाऊंगी नेचुरली कि कैसे कैसे आपको करना है और फिर आप भी उसी तरीके से करना और फिर आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिलेंगे तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं अब मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे खुद को पैम्पर करती हूँ और ये बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं इसमें कोई तामझाम नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा कि इतना कुछ करना है नहीं

सबसे मेन मोटिव ये होता है कि हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो अगर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी तो आपको और क्या चाहिए क्योंकि हर लड़की का एक सपना होता है कि उसके लॉन्ग एंड हो तो तो इसके लिए हेयर हेयर ऑयलिंग इज वेरी नेसेसरी मैंने अपना डीआईवाई ऑयल यूज किया यहाँ और अच्छे से अपने हेयर्स पे मसाज कर लिया हेयर मसाज करने से पहले आपको अपने हेयर्स को अच्छे से डिटेंगल जरूर करना होता है ताकि आपके हेयर्स बिल्कुल भी ना टूटे क्योंकि अगर आप डिटेंगल नहीं करोगे ना इन्हें तो अच्छे से मसाज नहीं कर पाओगे तो फर्स्ट यू हैव टू योर हेयर गिव अ गुड मसाज अगर आपके घर पे कोई है जो आपको मसाज दे सकता है तो उससे लो उससे आपको और भी ज्यादा मजा आएगा सेकेंड थिंग इज अब मसाज होगी मैंने अपने हेयर को कर लिया अच्छे से टाई नाउ इट्स टाइम फॉर द क्लेंजिंग ऑफ द फेस अब क्लेंजिंग के लिए मैंने यूज किया रॉमिल्क एंड थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मर अच्छे से कॉटन पैट से अपने फेस को क्लीन कर लिया आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हो गया अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया थर्ड स्टेप में मैंने अपने फेस पे की है स्क्रबिंग स्क्रबिंग मैंने अपना डी स्क्रब यूज किया है आप चाहो तो कोई भी स्क्रब को यूज कर सकते हो स्क्रबिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे फेस से जितने भी डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाए और हमारे स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल सफल हो जाए तो स्क्रबिंग अच्छे से करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारी स्किन कितनी अमेजिंग हो जाती है तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ इसके बाद मैं अपने फेस पे स्टीम देती हूँ जहां जहां पे भी मुझे ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स है वहां पे तो मैं स्टीम दे रही हूँ एक हैंकी के थ्रू मैंने गर्म पानी लिया है एक मग में उसको मैंने हैंकी को उसमें डिप किया और अपने नोज के अराउंड चिन के अराउंड रखा जहां पे भी ब्लैक हेड्स हैं और इसके बाद दो तीन बार अच्छे से स्टीम देने के बाद फेस पे मैंने अपने ब्लैक एंड व्हाइट को रिमूव कर लिया तो वीक में एक बार अगर आप इस प्रोसेस को करते हो ना तो ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स आपके फेस पे होंगे ही नहीं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे अब हमारे हमने अच्छे से ब्लैक एंड व्हाइट को रिमूव कर दिया अब हम अप्लाई करेंगे एक अच्छा सा फेस पैक तो फेस पैक हम क्यों लगाते हैं ताकि हमारी स्किन पे हमने जितना भी स्टेप्स को किया है उसके बाद हमें उन सारे ग्लो को एक लॉक करना होता है और लॉक हम कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वेरी गुड फेस पैक यहाँ पे भी अगेन मैं अपना डी फेस पैक यूज कर रही हूँ आप चाहो तो कोई भी यूज कर सकते हो तो अच्छे से अपने फेस पैक को फेस पे अप्लाई करने के बाद अब आपको फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स के लिए वेट करना है वेट करने के बाद आपका अच्छे से फेस पैक जब सूख जाए तो आपको इसे अच्छे से रिमूव कर देना है रिमूव करने के बाद आप ग्लो तो देख ही सकते हो फेस पे क्या अमेजिंग आ गया नाउ इट्स टाइम टू टेक शावर इसके बाद आप शावर ले सकते हो क्योंकि शावर लेने के बाद आपको बिल्कुल क्लीन और फ्रेश फील होगा आपके हेयर्स अमेजिंग हो जाएंगे आप क्लियरली देख सकते हो कि नहाते ही फेस पे क्या अमेजिंग वाला ग्लो आ गया था मेरे तो मैं इसी तरीके से खुद को पैम्पर करती हूँ फिर नहाने के बाद मैं कभी भी मॉइस्चराइजर लगाना नहीं भूलती हूँ क्योंकि ना तो हमेशा अपनी को, अपनी को अपने हेयर्स को टाइम दो ताकि आपका फेस आपके हेयर्स बिल्कुल आपको दिखे बिल्कुल हेल्दी ग्लोइंग और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और फिर मुझे जरूर बताना कि अगर आपने खुद को पैम्पर किया तो आपको कैसा लगा क्योंकि हर गर्ल को खुद को पैम्पर करना चाहिए ताकि वो खुद खुश रहे और जब वो खुद खुश रहेगी तो उसका चेहरा अपने आप अंदर से ग्लो करेगा तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय